सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आज जबरदस्त जो आप लोगों से वादा करी थी हॉलीडेज में बच्चों के लिए जो बनाना है, तो डिफरेंट टाइप के बर्गर्स बनाऊंगी, वैरायटी 3 टाइप्स की रहेंगी, उसके साथ कैसा ड्रिंक बनाना है और कैसा सॉसेस बनाना है, सारा कुछ होममेड। और देखिए मैं सेटअप भी आप लोगों के लिए करी, मेरे पास तो कोई बच्चे है नहीं, ये सारा बटरफ्लाई वगैरह सब स्टिक करी डाइनिंग एरिया में, तो ये सारा कुछ कैसा करना है, इसके लिए हो सका तो मेरे को 2 वीडियोस बनाना पड़ेगा 15-15 मिनट के, डिपेंड ऑन यू कि आपको देखना है, देखिए नहीं देखना है एज यू विश, क्योंकि मैं तो शॉर्ट्स के वैसा आधे अधूरे नहीं बता सकती, सारे चीजें मेरे अपने सीक्रेट जो होममेड जो इंतहाई टेस्टी और ऑथेंटिक है और इतने जबरदस्त के ना कभी खाए ना खाएंगे, और कि कहाँ से कैसा बर्गर्स लेना है, कहाँ से कैसा सब कुछ करना है, तो ये सारी डिटेल्स अगर आप लोगों को मालूम होना है और कैसा सब कुछ करना है तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि चालू काम जिसको बोलते हैं ना, चलता काम चालू काम मैं नहीं कर सकती, तो अगर 2 वीडियोज भी बनाना है तो अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों का खुद का नुकसान होगा। चलिए एक बनाऊंगी मैं फिले वाला, देखिए जैसा मैं क्या करी, एक बड़ा साबित चिकन ले ली और इसके पूरे फिलेस करवा ली, मतलब उसको बोनलेस बड़ा चिकन ला लेना है घर में और आपको जैसे पीसेस करके फिलेस कर लेना है, ठीक है, और ये इसको मैं पहले अच्छे से मैरिनेट कर दूंगी, करके रख दूंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी, देखिए आधे को अपन क्रिस्पी बनाएंगे, आधे को जस्ट लाइक तंदूरी बनाएंगे, लेकिन जायका दुबाला रहेगा, तो ये तकरीबन 2 किलो है बोनलेस जबरदस्त, तो इसके ऐसे पूरे ऐसे चपटे फिलेस बनाने लगा, आप घर में कर लेना या सामने ठहर के उनसे करवा लीजिए, ठीक है ना, मेरे घर में कोई बच्चे हैं और जो बड़े हैं उन लोग ये खाते नहीं क्योंकि स्ट्रिक्ट डाइट पे है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, 2 दिन से तैयारी चल रही है, एक दिन पूरा चिकन वगैरह आया, उसका मैं बताऊंगी वीडियो कैसा मैं सब कटवट करी, कल जाके पूरी शॉपिंग करके आई, तो ये सारे खर्चे रहने दो, सारी मेहनत आज गजब की गर्मी है, गजब का पैरों में दर्द है ना, मेरा चैनल मोनेटाइज है सारा आप लोगों की वजह से, अगर आप लोग इसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को खुद एहतियात करना पड़ेगा। अच्छा अब इसके अंदर हमको डालना है ऑनियन पाउडर, ऑनियन पाउडर मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ 2 किलो में। अच्छा अगर आपके पास ऑनियन पाउडर, मैं तो बालाजी ग्रैंड बाजार से लेती हूँ, आपको कहीं से सस्ता 70 रुपए में इतनी बड़ी पैकेट है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, इन्हों क्या इतने महंगे महंगे फैंसी आइटम्स ले रहे, ऑनियन पाउडर नहीं है तो प्याज लीजिए, प्याज को अच्छे से पीस लीजिए, पीस के उसका अच्छे से रस निचोड़िए, निचोड़ के एक प्याज का 1 किलो में या 2 प्याज का रस 1 किलो चिकन में डालिए, ऐसा कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चाय का चमचा दीजिए, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, मैं आपको बोली थी इससे पहले कि गार्लिक पाउडर हम फास्ट फूड में और लिबनीज फूड में यूज करेंगे, लिबनीज फूड में शवरमा वगैरह, तो ये गार्लिक पाउडर है। अच्छा गार्लिक पाउडर भी 70 रुपीज में पैकेट मिलता है इतना बड़ा, ठीक है ना, ये भी मैं बालाजी ग्रैंड बाजार से लेती हूँ, आप लोगों को जहां से लेना है वहां से लीजिए, मैं कभी किसी को वो नहीं बोली कि आप लोग यहाँ से लियो या वहां से लियो, 1 टीस्पून भर के है ये, जो छोटा टीस्पून है इसलिए मैं डाल रही हूँ, आप 1 से 1.5 टीस्पून डालना, वरना ज्यादा डाले तो कड़वा हो जाता है। अब इसमें आप घर में सोन पाउडर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फ्रेश अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मजा ये खोल के दीजिए गार्लिक पाउडर का, सॉरी पाउडर्स का है, वो टेस्ट इसमें नहीं आता, ठीक है ना, ये सोन पाउडर है मेरा, ये बिल्कुल 1/2 टीस्पून, और आपको याद है ना मेरा शाही गरम मसाला, इसका 1 टीस्पून भर के डालना, नहीं है तो आप लोगों का जो गरम मसाला है वो डालिए आप, ठीक है। अच्छा मैं इतनी आज गर्मी है, इतनी तबीयत मेरी निढाल है, लेकिन मजबूरी है, मैं बार बार जता रही हूँ नहीं तो, इसीलिए अब मैं जैसा बता रही हूँ आप लोग देख लेते हो, बस मेन थिंग है इंग्रेडिएंट्स, ये डार्क कलर का आपका नहीं देगी मिर्च है या टाइप का, जैसा मैं 3 मैंगो पिकल का डाल रही हूँ तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करिए, नॉर्मल आपकी घर की जो मिर्च है उसके साथ आपको करना है थोड़ा सा तंदूरी कलर, ठीक है, 2 चाय के चमचे डाली 2 किलो में मैं, और अब इसके साथ डालना 1 नींबू भर के, एक्सट्रीमली सॉरी 1 चाय का चम्मच आपको मिर्ची डालना है, और उसके बाद शेजवान सॉस डालना है इसमें, 2 कर दी मैं इसको अलग से निकाल दूंगी थोड़ा। अब चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून भर के, अच्छी क्वालिटी का, देखिए हर चीज अच्छी क्वालिटी का लेना है, मैं बोली ना सस्ते मुस्ते चीजा लेना नहीं, ये मेरे बर्गर जो है वो देखिए, अब मैं बोल रही हूँ ना जो पहले बना लिए थे, अब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं ये बना रही हूँ और बहुत जबरदस्त यूनिक टेस्ट है। अपन बाहर जाके उसको डोसे को पलटाइए, अपन बाहर जाके जो हजारों रुपए लुटा के आते हैं उससे कम में पूरा घर अपने खुद के बने हुए सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ असली ऑथेंटिक चीजों के साथ
वेरी टेस्टी और डिलिशियस सीजर बना के खाना और हॉलीडेज इंजॉय करना वो अलग ही मजा रहता है, वो भी समझने वालों के ऊपर रहता, हर कोई ये चीज नहीं समझ सकते, एक्सट्रीमली सॉरी टू से बट यही हकीकत है। ये देखिए कितना अच्छा दही है, घट बिल्कुल आराम से दो टेबल स्पून भर के दही डालने से एक तो हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है, बच्चों को हजम जल्दी अच्छा हो जाता है, बर्गर्स वगैरह, और हेल्थ के लिए भी बड़ा जबरदस्त है, और इन्हें मैरिनेशन के लिए भी बेस्ट काम करता है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चीज स्प्रेड डालूंगी, नॉर्मल चीज स्प्रेड जो आता है आप जो भी क्वालिटी का है वो ले लीजिए, और मैं थोड़ा सा एगलेस मेयोनीज लेंगी। मैं कोई ब्रांड का कभी शो ऑफ नहीं करती, मैं जो यूज करती हूँ खाली वो बोल रही हूँ, आप लोग की मर्जी जो लेना है लीजिए। और एगलेस मेयोनीज थोड़ा सा डालूंगी और उसके बाद थोड़ा सा शेजवान सॉस डालूंगी वंस इन ए ब्लू मून। ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पे बना के बच्चों को नाश्तों में दे रहे, नहीं, हफ्ते में एक बार अगर बना दिए। इसके साथ कंटिन्यूस तीन चार लाइनअप है डे बैक टू बैक आने वाले हैं, तीन चार बेहतरीन बच्चों के रेसिपीज। अच्छा, अगर शेजवान सॉस नहीं है तो ला लीजिए, क्योंकि बगैर शेजवान सॉस के इतना मजे का नहीं बनता, दो से तीन टेबलस्पून डाले में। और अब मेयोनीज डालिए तकरीबन चार टेबलस्पून भर के, एगलेस मेयोनीज मैं यूज करती हूँ, अगर आपको घर पे बनाना आता तो वेल एंड गुड। एक किलो में एक टेबल स्पून भर के चीज स्प्रेड, अब वाह इतना महंगा इतना फैंसी नहीं, आप सोचो एक एक बर्गर जाके आप खाते तो बाहर कितना महंगा रहता है, दो से तीन बर्गर्स में के रेट में मैं किलोओं के हिसाब से चिकन लाके सारे चीजा लाके क्या क्या लाई अभी नहीं बोलती मैं, जैसा जैसा निकालते जाऊंगी बर्गर्स और लॉन्ग बंस, लॉन्ग बर्गर्स और साथ में उसकी जो खूबसूरत डेकोरेशन करने वाली हूं तो मैं बताते जाऊंगी अभी नहीं। चलो ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डालते जाऊंगी, ठीक है। एक ग्रीन वाला बना रही हूं मैं, एक ये तीन किस्म के बना रही हूं, डालो और डालो। चलो अब इसको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे सारे चीजों के, नमक, नमक काला नमक थोड़ा डालना है इसमें, सादा नमक थोड़ा डालना है इसमें, चाट मसाले में भी रहता ठीक है और सॉसेस में भी रहता, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालो। इसमें ये मैरिनेशन में हम दो बर्गर्स बनाएंगे जो स्लाइस हम बीच में लगाएंगे, एक हम उसको डीप फ्राई करेंगे क्रिस्पी बनाएंगे जिसको हम कॉर्नफ्लावर का कवर कोट करेंगे, और दूसरा हम जस्ट लाइक तंदूरी बनाएंगे, और तीसरा वाला हम लॉन्ग बंस में वो ग्रीन मसाला जो दिख रहा वो बनाएंगे। तो अभी फिलहाल ये दो की मैरिनेशन है, डिस्क्रिप्शन में आराम आराम से सब लिख दूंगी मैं, दुआ करना मेरे वास्ते, सोहाबे जा रहा पसीनों के धारे चले जा रहे मेरे को, कोई भी अपने इतने पर्सनल चीजें शेयर नहीं करता एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स। मैं ये नए बना रही थी, मतलब हो रहा नहीं था मेरे से ना, तो मेरी बच्ची बोली कि मम्मा जैसा आप मेरे साथ फन करें पूरा इंजॉय करें, मेरे को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दिए माशाल्लाह अल्लाह बिला, बचपन से लेके अब तक कोई बाहर वालों की जरूरत नहीं महसूस हुई, ऐसे ही अगर आपकी कोई एक चीज से कोई एक मदर को भी फायदा मिल जाएगा मम्मा तो ये आपके लिए सवाबे जारिया रहेगा। आप ऐसा मत करिए, जो भी आपके पास टैलेंट है वो शेयर करिए बोल के, तो उसके बोलने पे उसके पुश करने पे मैं ये कर रही हूं, तो मेरी बच्ची भी दुआओं की हकदार है आप सबकी, जो कि आप लोग हमेशा देते ही बोले बिना। इसको सिर्फ आधा घंटा मैरिनेशन करेंगे बस, अब इसको हटा दे के उसको करेंगे। देखिए ये मैं बनाई ब्रेस्ट के लंबे लंबे, जैसे अपन क्या बेदस्टिक चिकन बनाते या चिकन फिंगर्स बनाते वैसे बनवा ली मैं पूरे, और ये तकरीबन एक टेबल स्पून भर के हरी मिर्च और ये आधा किलो है ये, तो मैं इसको लॉन्ग बंस में डालूंगी जस्ट लाइक शवरमा की वैसा मैं इसको बनाऊंगी, लेकिन शवरमा डिफरेंट टाइप का भी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ शवरमा है और बड़ा जबरदस्त है, आप ये भी देखते जाइए। आइए आइए जल्दी आइए मैरिनेशन करिए, आइए जल्दी जल्दी कमॉन। चलो अब इसके अंदर भी चाट मसाला एज इट इज, और इसके अंदर भी ऑनियन पाउडर, और इसके अंदर भी गार्लिक पाउडर, सारा एज इट इज सेम है, बस हम इसके अंदर शीज गार्लिक पाउडर था ये शेजवान सॉस कम डालना है, गार्लिक पाउडर क्योंकि कम है, हमको इसके अंदर सिर्फ शेजवान सॉस नहीं डालना है और लाल मिर्ची नहीं डालना है क्योंकि इसमें हरी मिर्ची है, बाकी सेम एज इट इज मसाले डालना है। डालो जल्दी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर और एक चाय का चम्मच भर के ऑनियन पाउडर या फिर एक प्याज का जूस कम्प्लीट छानना है उसको दबा के, और एक टेबल स्पून भर के चीज स्प्रेड, दो टेबल स्पून भर के दही, एक लेमन, और उसके साथ हम डालेंगे अमूल बटर, कौन सा भी बटर उसका हाफ स्लाइस इसमें हाफ स्लाइस इसमें डालो,
या पौन स्लाइस इसमें, पाव स्लाइस इसमें, क्योंकि ये 2 किलो है या आधा किलो है? उसमें 4 टेबलस्पून डाले थे, इसमें 1 दाने भर के। आप अमो चीज बटर डाल दो थोड़ा, पाव ये नॉर्मल जो आता है ना उसमें का, मैं पाव इसमें डालती हूँ, पौन इसमें डालूंगी। ठीक है, डाल के उसको अच्छा हाथ से मिला लेना है। हाँ डाल दो पूरा। नमक उसमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, बता। अभी लोगों को अच्छा मिला लेके एक आधा घंटा रख दे के अलग अलग चढ़ा लेना है, इसको इसको अच्छा पक लेना है। उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगी नेक्स्ट, बस बाद में टेस्ट करके डालेंगे। चलो डाल, हल्दी दोनों में भी नहीं पड़ी। थोड़ा सा मैं 1 से 2 टेबलस्पून 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाली। अब मैं इसमें ये जो अपन व्हाइट वाला शवरमा के लिए बनाए ना, शवरमा या शवरमा टाइप लॉन्ग बंस आप उसको शवरमा भी बोल सकते हो, पूरा मैरिनेशन वही है। अब मैं इसको पकने के लिए पहले फुल फ्लेम पे रखूंगी ताकि इसके जूसेस सारे सील हो जाना और इसका कलर चेंज होना। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे अपन, लो पे नहीं छोड़ेंगे। इसमें का आधा 1 किलो मैं ले रही हूँ पकाने के लिए और आधा 1 किलो रख दे रही हूँ इसमें, आधा हाफ मतलब डीप फ्राई करने के लिए फुल फ्लेम पे, ये भी ताकि इसके भी जूसेस सील हो जाना और कलर चेंज होना। उसके बाद देखिए ये भी फुल फ्लेम पे पक रहा। ये सारे पॉइंट बताना पड़ता, हम हरी मिर्च को मोटा मोटा कूटे ताकि पूरा इसके दिखते रहना पूरा। आधा डाल दी पकने के लिए, आधा रख डाली मैं। मैरिनेशन स्टोव बोर्ड इसलिए हमको इतना नहीं पकाना कि हलवा होना है, इसके क्रंचीनेस रहना पीसेस की और अच्छे गले हुए भी रहना। चलिए अब मैं मीडियम कर पकने देंगे और उसको चेक करते रहेंगे। इसको भी अच्छा ऊपर नीचे करके ढक डाली मैं, इसको भी ढाको, इसको भी मीडियम। अब इसको चेक करते हुए गलाना है। जब हम चढ़ाए ना उसके बाद से आपको तकरीबन 1 पाव से 1/2 ग्लास पानी डालना ताकि नीचे से चीज लगना नहीं, जो चीज में चीज डालते हो ना नीचे से जल जाता, और फिर ये गलना भी है ना तो डालना पड़ता। देखिए ये भी अपना हो गया, इसको भी हल्का सा बिल्कुल, ये अच्छा मैरिनेट था बिल्कुल। 1-2 घूंट पानी डालकर मीडियम फ्लेम पे कर ली मैं कम बत्ती पे। अब 1 किलो चिकन के लिए मैं देखिए 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, उसमें 1 टेबलस्पून बस मैदा ले रही हूँ और 2 एग वाइट्स ले रही हूँ। अगर आपको कम दिख रही कोटिंग तो ना आप और बाद में सेम यही रेशियो पे आप और कर सकते हो। इसमें नमक डालना है सिर्फ, अच्छा इसमें कोई मसाला वसाला नहीं डालना वरना पूरा काला हो जाता। देखिए नमक ये मैरिनेशन में भी है इसलिए देखिए आपको नमक डालना है इसमें। और ये 2 एग वाइट्स है और ये 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा डालूंगी, व्हाइट नमक डाली में, सेंधा नमक भी नहीं डाली इसमें, बस मैदा ज्यादा नहीं डालना। चलिए पानी डालना है, मैं कंसिस्टेंसी बताती हूँ आपको पूरा मिलाने के बाद। नीचे घट रहता उसको अच्छा मिला लेना। देखिए अब हम इसमें से 1 पीस ले लिए और ये जो घोल है, अब ये घोल में हम ये पीस को डुबा रही, वो खरीद ले लो, आप खरीद ले लो उसको, उसको झटक रही, बस एक ही बार उसको डुबाना है वरना आपका मसाला निकलता है, उसको झटकना है अच्छे से। चलो डालो, झटक के डालना उसको, ठीक है ना। फ्लेम अभी मैं हाई रख ली ताकि कोटिंग इसकी हाई क्या मीडियम समझिए, झटकना उसको। आपका हाथ आ जा रहा, पीस नहीं दिख रहा, क्या फायदा मैं कैसा बताऊं व्यूवर्स को, आप बोलो मेरे को। अब ठहरिए जरा, आपका हाथ मत बताइए। हाँ चलो अब ये निकालो, पीस निकालो, बड़ा वाला पीस लीजिए, मसाले के साथ उठाइए, मसाले के साथ उठाइए, डुबाइए आराम से। और एक डिप करिए उधर से, पीछे बैक से कवरिंग अच्छी करिए, कोटिंग अच्छी करिए, जस्ट उसको हिलाइए, उसको हिलाइए, एक्स्ट्रा सारा निकल जाना जी। अब डालिए इसमें, खत्म। क्योंकि ये मेरी छोटी कढ़ाई है तो ओवर क्राउडेड नहीं होना, ओवरलैप नहीं होना। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आना, ओवर क्राउडेड मीन्स इसमें भर देना नहीं, ठीक है। अब इसको आराम से होने देंगे अपन, अभी तो मीडियम फ्लेम पे है और तेल अच्छा गर्म है। अगर कम तेल गर्म रखेंगे तो पूरा खाली उन्हें सोक कर लेगा तेल, तो उसको तेल अच्छा गर्म रखिए और मीडियम फ्लेम पे रखिए। चलिए एक तो तैयार हो गया, अब ये भी तकरीबन अपना तैयार हो गया समझिए,
अब हमको सिर्फ इसमें कोयले की स्मोक देना है बस। हम इस कंसिस्टेंसी पे हम इसको बंद कर देंगे एसेंसो हैदराबाद के व्यूवर्स। अब मैं फिर बंद कर रही हूँ और ये मैं इसमें अब कोयले की स्मोक दूंगी ताकि तंदूरी फ्लेवर आना। अब मेरे को बताओ बाहर मिलते हैं ऐसे, पूरी दुनिया में नहीं मिलते ऐसे, चैलेंज है ये मेरा। हम फुल फ्लेम पे पहले इसको कोटिंग कवर होने दे रहे हैं, जैसे ही कोटिंग कवर होंगी आहिस्ता से इसको पलटा देंगे, ठीक है। ये देखिए मैं इसको आहिस्ता से पलटाई, अब फ्लेम मीडियम करी मैं ताकि यानी अंदर तक पकना।